अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मानू कैसर और आप देख रहे हैं ट्रेंडर्स इन्फो। आज मैं एक नई स्टोरी लेके आई हूं। आजकल पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्रीज और शोबिज इंडस्ट्रीज में तलाक का रुझान बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो इमरान अशरफ हो, फिरोज अली खान और अहद रजा मीर ही क्यों ना हो। इसकी लपेट में शुएब मलिक और सानिया मिर्जा भी आ चुके हैं। फैंस को कुछ पता है और नहीं भी पता कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा का तलाक हो गया है या नहीं। वो इसी कश्मकश में है कि तलाक हुआ है या नहीं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि तलाक की गरम गरम खबरों के साथ ही साथ उनका एक नया रियलिटी टीवी शो भी आ रहा है, जिसका नाम द मिर्जा मलिक शो है। और इसके साथ साथ अभी हाल ही हाल में एक सोशल मीडिया के थ्रू खबर आई है कि शुएब मलिक ने अपनी एहलिया को सालगिरह की मुबारकबाद दे दी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, शुएब मलिक ने अपनी एहलिया सानिया मिर्जा को सालगिरह की नेक तमन्नाओं के साथ बहुत सालगिरह मुबारकबाद भी दी। और उनको उनका ये भी कहना था कि आप खुश रहें और इसी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हात भी गुजारती रहें। हाल में उन्होंने अपने बेटे की सालगिरह भी मनाई है। शुएब मलिक ने अपने बेटे इज़हान मलिक की सालगिरह की वीडियोस भी सोशल मीडिया पे शेयर की हैं। उसके साथ साथ इस हवाले से सानिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी लगाई है, जिसमें उनका कहना है कि वो जिंदगी के मुश्किल तरीन दिनों के लम्हात, जिससे ये बखूबी ज़ाहिर होता है कि दोनों मियाँ बीवी की जो राहें हैं वो अब अलग हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ फैंस एक उलझन के अंदर मुब्तला हैं, जिसमें कुछ पता नहीं चल रहा कि एक तरफ उनकी तलाक की खबरें आ रही हैं, एक तरफ उनकी रियलिटी टीवी शो की खबरें आ रही हैं, और दूसरी तरफ जो उनके शौहर शुएब मलिक हैं वो उनको उनकी सालगिरह पे मुबारकबाद का इजहार कर रहे हैं। इस हवाले से कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा कि आखिर इसके पीछे क्या राज है और ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मज़ीद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और देखते रहिए ट्रेंड इज़ इन्फो। थैंक यू।